इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को 4 विकेट से हरा दिया है। यहीं से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस साल आईपीएल चैंपियन बनने का सपना भी चूर चूर हो गया। 22 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मैच खेला गया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से आर अश्विन ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए और उन्हें ये खास कारनामा करने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे रियान पराग, जिन्होंने खास मौके पर 26 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी खेली। रियान पराग ने आईपीएल 2024 में दमदार प्रदर्शन किया है। रियान पराग ने इस साल 14 मैचों की 13 पारियों में 56.70 की औसत से और 151.60 के स्ट्राइक रेट से कुल 567 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं। रियान पराग लंबे समय से राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी टीम का हिस्सा है। उन्होंने जिस तरह से इस साल खेल दिखाया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खास प्लेयर के रूप में उभर कर आए हैं। मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद आर अश्विन ने रियान पराग की जमकर तारीफ की। अश्विन ने जियो सिनेमा पर कहा, खास तौर पर जूनियर बल्लेबाजों को पूरी स्पष्टता के साथ रोल दिए गए थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। रियान पराग ने इस रोल को बखूबी निभाया है, जिस पर पूरी टीम को आज गर्व है। कठिन समय में रियान के इस प्रदर्शन ने टीम को मैच में बनाया रखा और अंत में टीम को जीत भी मिली। रियान 17 साल की उम्र में टीम में आया था और वो पिछले कुछ सालों में मैच्योर हुआ है। इस सीजन में पहली बार उसे अपने रोल को लेकर स्पष्टता मिली है। मुझे उसकी क्षमता पर कोई शक नहीं था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उसने कवर के ऊपर से जो शॉट मारा, मेरा मानना है कि बहुत से बल्लेबाज वैसा शॉट नहीं मार पाते। उसकी प्रतिभा और इस सीजन में उसके प्रदर्शन के आधार पर मुझे लगता है कि वो जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। आईपीएल 2024 ऑरेंज कैप की बात करें तो इस लिस्ट में आरसीबी के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली टॉप पर बने हुए हैं। विराट कोहली ने 15 मैचों की 15 पारियों में 61.75 की औसत से और 154.70 के स्ट्राइक रेट से कुल 741 रन बनाए हैं। आशा करता हूं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।